हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे स्पेड्रा टैबलेट के बारे में। देखो, जो स्पेड्रा टैबलेट है ये सिर्फ पुरुषों में यूज किया जाता है, क्योंकि जिन लोगों का प्राइवेट पार्ट में ढीलापन होता है, तनाव नहीं आता है, उसमें ये तनाव लाने के लिए यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में स्पेड्रा टैबलेट के बारे में, उसके और क्या क्या फायदे हैं, क्या कंपोजिशन इसमें डाला गया है, कितने रुपए का आएगा और कहां पर मिलेगा, पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वैसे तो बहुत सारे दवाइयां हैं जिससे आपका ढीलापन को दूर किया जाता है, लेकिन ये उनसे बेहतर है इस वीडियो में हम समझेंगे। तो जो स्पेड्रा टैबलेट है, इसके दो स्ट्रेंथ आते हैं, एक 50 mg, एक 100 mg, और ये जो है प्रिस्क्रिप्शन पे देने वाली मेडिसिन है। इसको आप अपने से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये बैन है, आपको मेडिकल वाला देगा नहीं। इसमें जो कंटेंट डाला गया है वो अवानाफिल है, अवानाफिल 50 mg, अवानाफिल 100 mg। ये भी सेम टडालाफिल जैसा है, सिल्डेनाफिल जैसा ही है, लेकिन ये अभी न्यू रिसर्च मॉलिक्यूल है, उन लोग से बेहतर पोटेंसी इसमें है, इफाकसी इसमें है, तो उन लोग से अच्छा काम करता है। अगर आप इजीली समझ सकते हैं तो उनसे बेहतर है ये। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। इसका फायदा है कि जिन लोगों के प्राइवेट पार्ट में तनाव नहीं आता, ढीलापन ही रहता है, या बोल सकते हैं खड़ा नहीं रहता है, तो ये उस तनाव को दूर करता है, उसको ढीलापन को दूर करता है, खड़ा करता है। उसके अलावा जिन लोगों का टाइमिंग कम रहता है तो ये थोड़ा टाइमिंग भी बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत टाइमिंग भी मदद करता है, और जिसकी वजह से वो उनका तनाव खत्म हो जाता है और टाइमिंग भी थोड़ी बढ़ी रहती है और फायदे अच्छे मिलते हैं। सिर्फ यही फायदा है और इसके कोई भी यूज नहीं है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट के, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। ये जो दवा है सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलने वाली दवा है, तो अगर आप इसका अपना सेवन करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, आपको दुधलापन दिखाएगा, कमजोरी आएगी, आपके हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएंगी। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड या बीपी हाई जैसी प्रॉब्लम है तो आपकी जान भी जा सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी अगर इसको आप अपने से लोगे तो। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसकी डोज की बात करें तो आप इसको कार्यक्रम करने से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले भी खा सकते हैं। जो बाकी इस कैटेगरी की दवा है जैसे टडालाफिल, सिल्डेनाफिल, उनको आपको आधा घंटा खाना रहता है, आधा घंटा पहले खाना रहता है, लेकिन इस दवा को सिर्फ 5-10 मिनट पहले खा लोगे फिर भी आपको आपका काम हो जाएगा, उसके बाद आप इसका अपना कर सकते हैं। बाकी कंपेयर करोगे टडालाफिल या सिल्डेनाफिल से तो उसमें आपको 2 से 3 घंटे तक आपका इफाकसी रहता है, बट इसमें 5 से 6 घंटे तक आपको काम कर सकते हो, तो इसकी वजह से ये बेहतर है उन दवाओं से। तो आप चाहें तो ये ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। सेफ्टी की बात करें तो 18 साल से जो नीचे हैं उनको नहीं लेना है, लेडीज का इसका यूज नहीं है, जिनको हाई बीपी है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको भी नहीं लेना है, इसको एल्कोहल के साथ नहीं लेना है। अगर आपको मोटा मोटा कहें तो जिन लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं वो गलत है, आप डॉक्टर की सलाह से ही लें, अपने से बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी स्पेड्रा टैबलेट की, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।